हैं नेक्स्ट गिफ्ट की ओर, जो कि मुझे दिया है आए और कुछ कुछ ऐसे दोस्त जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड जिनको हम कहते हैं, कुछ नहीं होता, खैर मैं बोलना नहीं चाहती। वीडियो की तस्वीर है और ये गिफ्ट मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली पसंद आया, क्योंकि ना मुझे पता नहीं है कि किसने दिया है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन स्पेशल डे फ्रॉम विनीता बिन्ना। दोस्तों काफ़ी सारे पर्स हो चुके हैं मेरे पास और थैंक यू दोस्तों, इसमें था बट शायद नाम हट चुका है इसका। प्लीज़ गिफ्ट देते हो तो नाम भी लिख दीजिए। लिख दिया है, कहते हैं जब शादी हो जाती है जितना सिंगार वाला सामान आप किसी सुहागन को दान में देते हो, जो गिफ्ट में नाम नहीं लिखे हैं वीडियो देखेंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि किसने कौन सा गिफ्ट दिया है। बहन उन्होंने मुझे दिया है तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की ओर, जो कि मेरी दोस्त ने मुझे दिया है जिसका नाम है सोनाली सोनी। तो खोलते हैं इसको, देखते हैं। सोनी भी मेरी बचपन की फ्रेंड है, हम लोगों ने मतलब मेरे से छोटी क्लास में पढ़ते थे बट रहे हम लोग ज़्यादातर साथ में ही हैं। इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मिल चुका है मुझे एक और पर्स, तो थैंक यू सोनी इसके लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक और पर्स हो गया मेरे पास, काफी पर्स हो गए मेरे पास। तो दोस्तों काफी सारे पर्स हो चुके हैं मेरे पास और थैंक यू सोनी इसके लिए। अभी इसको भी साइड में रखते हैं और देख लीजिए आप लोग भी इस प्रकार का है कुछ। अब नेक्स्ट गिफ्ट खोलते हैं हम। नाम तो पढ़ने दो, और इसमें भी नाम नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ था नहीं था ना, पता नहीं दोस्तों इसमें था बट शायद नाम हट चुका है इसका। प्लीज गिफ्ट देते हो तो नाम भी लिख दीजिए, लिख या कीजिए। अभी इसको खोल के देखते हैं किसने दिया होगा। दोस्तों मुझे पता नहीं है, जो अगर वीडियो देखेगा तो कमेंट करके बता देना जिसने नाम नहीं लिखा है तो किसने दिया है। अच्छा तो इसने मिल रखा है दोस्तों मुझे एक और सूट, जो कि कुछ इस प्रकार का है। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है काफ़ी, और जिसने भी दिया है कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की ओर, जो कि दिया है मुझे जानू ने, और इसके साथ में उसने मुझे थोड़ा सा सिंगार का सामान भी दिया है। कहते हैं जब शादी हो जाती है जितना सिंगार वाला सामान आप किसी सुहागन को दान में देते हो उतना पति की आयु बढ़ती है, तो उसने भी मुझे दे रखा था बट वो मैंने यूज कर लिया है। उसमें मेहंदी वगैरह बिंदी वगैरह थी, सिंदूर। तो एक और गिफ्ट दिया है उसने मुझे फ्रॉम जान की, हम प्यार से जानू बोलते हैं। तो इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। वैसे उसने मुझे बता दिया था कि इसके अंदर क्या है, बट मैं अब आप लोगों को बताती हूँ क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर है क्या है, चिपकू जो ये एक्सपर्ट हो गए हैं गिफ्ट खोलने में दोस्तों, फट 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 है। अच्छा से अभी नहीं बोलूंगी, पहले खोल के दिखाती हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर है टन टन माय ड्रीम हाउस, ये है सपनों का घर, ये मेरे सपनों के घर में लगेगा, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू जानू, जानू है मेरी बुड्ढी, अब ऐसे मत बोला जानू वैसा वाला नहीं, उसको प्यार से जानू बोलते हैं। वो है मेरी बुड्ढी की बेटी और सीनरी आप लोगों ने देख ही ली होगी। थैंक यू जानू इसके लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की ओर, और ना इसमें भी नाम नहीं लिखा हुआ, देख सकते हैं। प्लीज़ नाम लिखा कीजिए, और जो जो गिफ्ट में नाम नहीं लिखे हैं वीडियो देखेंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि किसने कौन सा गिफ्ट दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे इस गिफ्ट के अंदर एक और सूट है, ये वाला। तो थैंक यू सो मच, ना मुझे पता नहीं है कि किसने दिया है, और थैंक यू जिसने भी दिया होगा कमेंट करके बताइएगा कि मैंने ये वाला गिफ्ट दिया है, तभी पता चलेगा, ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा। और एक और गिफ्ट है जो कि मुझे दिया है, इसमें लिखा भी है
कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन स्पेशल डे फ्रॉम विनीता बिन्ना। तो थैंक यू सो मच बिन्ना। बिन्ना भी मेरी बचपन की सहेली है, वो देहरादून में भी जॉब कर रही है, तो उसको आने का ना, उसको छुट्टी नहीं मिली इस वजह से नहीं आ पाई। और जो नीलू मैंने कहा था वो साथ में करते हैं, तो उसके पास उसने भिजवा रखा था। तो थैंक यू सो मच। देखते हैं कि अंदर क्या है। और इसके अंदर दोस्तों मुझे मिला है एक और सूट। काफ़ी सारे कपड़े हो रखे हैं मेरे पे गिफ्ट में, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। बहुत ही प्यारा सूट है, मैं तन्नो बोलने वाली बिना इसके लिए। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट गिफ्ट की ओर। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं नेक्स्ट गिफ्ट। एक और गिफ्ट मिल रखा है, ये वाला गिफ्ट मेरी ननंद जी ने मुझे दे रखा है। देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ननंद जी ने दिया है हमको ये, इसमें इनकी और मेरी तस्वीर है। और ये गिफ्ट मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली पसंद आया, क्योंकि हम दोनों की ना बिल्कुल भी फोटोज़ नहीं थी। और एक फ़ोटो मेरी दीदी की ननंद ने दी है, वो मैंने अपने मायके में ही रखी है, एक उधर भी होनी चाहिए। और ये वाली सोनी ने हमको दी थी, ये इनकी सिंगल है। ये हम दोनों जब मिले थे, ये जब हम वहाँ गए थे, कहाँ गए थे हम, धारी देवी। और ये जब हम कहाँ थे, नहीं, ये हमारी पौड़ी की है, ये वाली चौलपदी की है, ये अध्याय धारी देवी की है, ये मेरी अकेले की है। तो थैंक यू सो मच, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू ननंद जी इसके लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट गिफ्ट की ओर। तो अभी कुछ गिफ्टों की वीडियो मैं पहले ही बना दे रही हूँ, क्योंकि कुछ गिफ्ट ना मैंने पहले ही अनबॉक्स कर दिए हैं। मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी देखने की कि क्या गिफ्ट मिले हैं। इन गिफ्टों में नाम नहीं लिखे थे, इसलिए मैंने इनको पहले ही खोल दिया है। ये वीडियो क्लिप आपको जब मैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाली वीडियो डालूंगी तब देखने को मिलेगी, बट ये मैं पहले ही अनबॉक्स कर दिया। मैंने दो तीन गिफ्ट, जिनमें से की है पहले ये वाला पर्स मैंने पहले बाहर से ही टच करके गैस कर लिया था कि इनके अंदर पर्स है, और इनमें ना नाम नहीं लिखा था। तो प्लीज जिन्होंने भी दिया है कमेंट करके बता दीजिएगा। तो एक पर्स है ये, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और जब गिफ्ट देते हो तो प्लीज नाम भी लिख दिया कीजिए, तब पता चल जाता है कि किसने दिया है। और एक और पर्स मिला है मुझे, जो कि ये है, ये भी मुझे ना काफी प्यारा लग रहा है कुछ इस प्रकार का, तो बहुत ही क्यूट सा पर्स है ये। और एक और गिफ्ट मिला था मुझे ये वाला, इसमें भी नाम नहीं लिखा है, बट जितना मुझे गैस कर पा रही हूँ मैं कि मेरी मम्मी की जो मतलब मेरी जेठी माँ है, मेरी मम्मी की बहन, उन्होंने मुझे दिया है। तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शायद से, मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट उन्होंने ही दिया है जितना मुझे लग रहा है। इसके लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद, और इसकी ना हमें सख्त जरूरत थी, सख्त जरूरत बोले तो, कि बहुत ही अच्छा गिफ्ट है ये। देखिए कुछ इस प्रकार की घड़ी दे रखी है उन्होंने, तो काफ़ी अच्छी है और घर में लगाने के काम भी आएगी। तो दोस्तों एक और गिफ्ट जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले अनबॉक्स कर लिया था, वो है ये। तो ये गिफ्ट ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जिसमें कि मिस्टर जी और मेरी फ़ोटो है, जब हम लोग ज्वालपा देवी गए थे, ये तब की फ़ोटो है। और हमारे घर में ना हमारी कोई भी फ़ोटो साथ में नहीं थी, फटाफ हो चुकी है। तो इसके लिए ना तहे दिल से धन्यवाद। ये गिफ्ट मेरी दीदी की ननंद ने मुझे दिया था, जब मैं दिल्ली में थी उस टाइम पे ही दे दिया था। और ये गिफ्ट मैंने ना पहले ही खोल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें इनकी और मेरी फ़ोटो है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको देखने के लिए। और इसके लिए ना तहे दिल से धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा है मुझे ये वाला गिफ्ट। अभी बाकी गिफ्ट आप आगे देखिए, के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। बाकी गिफ्ट अनबॉक्सिंग का ब्लॉग जब डालूंगी उसी के साथ एक क्लिप ऐड होके आएगी, तो आप जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 3-4 गिफ्ट मैंने खोल दिए हैं, बाकी गिफ्ट आपको बाद में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ननंद जी का गिफ्ट भी आप लोगों को दिखा लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की ओर, जो कि मुझे दिया है सररी नेगी, जो कि मेरा क्लासमेट है। ये भी शादी में नहीं आ पाया क्योंकि इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, बट ये नेक्स्ट डे मेरे ससुराल में आके ही इसने मुझे गिफ्ट दिया था। तो थैंक यू सो मच, और आने के लिए भी लास्ट टाइम पे ही आया, बट आया तो सही, कई सारे क्लासमेट मेरे नहीं आए। और कुछ कुछ ऐसे दोस्त जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड जिनको हम कहते हैं, कुछ नहीं होता, खैर मैं बोलना नहीं चाहती वीडियो के माध्यम से, उनको भी बुरा लगेगा और अपना दिल खट्टा करके भी मेरे को फ़ायदा नहीं है, बट देखते हैं सरी ने मुझे क्या दे रखा है। क्या हुआ इसमें,
वाह, ये देखिए दोस्तों, इसमें है कप और नीचे से प्लेट, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच सर्जीस के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लास्ट टाइम में चाय वहाँ नहीं आ पाया, देखो हो जाती है मजबूरियाँ, बट लास्ट टाइम में वो यहाँ आ गया था मेरे ससुराल, जैसे दुल्हन के साथ आते हैं ना वैसे ही। तो थैंक यू सो मच इसके लिए, बहुत प्यारा है गिफ्ट, थैंक यू। अब इसको भी रखते हैं साइड में तब तक, और नेक्स्ट गिफ्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि मुझे दिया है, इसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन तन्नु वंदना। वंदना भी मेरी क्लासमेट है, हम लोगों ने साथ में ही पढ़ाई की है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। वाओ, तो दोस्तों इसमें है सीनरी, इसमें है 7 घोड़े, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घोड़े होते हैं ना, 7 घोड़ों का मतलब होता है सूर्य देव का प्रतीक होते हैं 7 घोड़े। और कहते हैं कि घर में ये जो तस्वीर होती है इसको लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो थैंक यू सो मच वंदना, जब मेरा घर बनेगा तब उसमें लगाऊंगी इसको, ठीक है, थैंक यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की ओर, जो कि मुझे दिया है श्वेता ने। श्वेता मेरी एक क्लास सीनियर है, बट रामला वगैरह में हम लोग दोस्त काफ़ी घुल मिल गए थे, और गांव में ही रहती है मेरी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी वैसे मुझे सीनरी लग रही है, बट देखते हैं कौन सी सीनरी है। थैंक यू सो मच, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है ना दोस्तों, कैसी लग रही है, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। अभी कल मुझे एक बुआ जी मिली थी ना, तो उन्होंने नहीं, उसने नहीं बनाई, वो फोटो ले रखी है। तो कल मुझे एक बुआ जी मिली थी, तो उन्होंने ना मुझे एक गिफ्ट दिया था, मैंने बोला था दिखा दूंगी वीडियो में ऑफिशियल बबीता नेकी से, तो उन्होंने कल मुझे ये वाला सूट दिया। तो थैंक यू सो मच बुआ जी, काफ़ी अच्छा सूट है। और इस टाइम मुझे शादी में ऑलमोस्ट बहुत सारे कपड़े मिले हैं गिफ्ट में, तो कभी आधे मेरे मायके में छूट रखे हैं, आधे इधर है, तो ऐसे करके दिखा के फ़ायदा नहीं है। जब मेरे सारे कपड़े इकट्ठे रहेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने कपड़े मुझे गिफ्ट में मिले थे, मतलब जो मैं पहनती हूँ या मैंने जो बनाया ना, ज़्यादा मेरे गिफ्ट रेडी हैं। तो थैंक यू सो मच सभी का, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखे। अभी तो बोलो कुछ, थैंक यू तो बोल दो, किसी के गिफ्ट छूटे तो नहीं। तो ऑलमोस्ट सभी के गिफ्ट हो चुके हैं, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए, और इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स के लिए भी। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नई दिन के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।